नमस्कार दोस्तों, सक्सेस क्लास विद गौतम सर में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 19 जुलाई का करेंट अफेयर। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर वन का था दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए 16 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी 17 जुलाई, ऑप्शन नंबर सी 18 जुलाई, ऑप्शन नंबर डी 19 जुलाई। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी 17 जुलाई। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में HCL टेक्नोलॉजी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए बत्रिका मल्होत्रा, ऑप्शन नंबर बी रोशनी नडार, ऑप्शन नंबर सी सीमांत धवन, ऑप्शन नंबर डी मनोहर मित्तल। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी रोशनी नडार, इसका सही आंसर हो जाएगा। HCL टेक्नोलॉजी का नया अध्यक्ष किसे किया गया है, नियुक्त किया गया है तो रोशनी नडार को। इसका हेड क्वार्टर दोस्तों नोएडा में है, जो UP में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप पहल शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी असम। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने दोस्तों हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप पहल शुरू की है। महाराष्ट्र की राजधानी दोस्तों मुंबई है। इसका गठन दोस्तों 1 मई 1960 ईस्वी किया गया। यहाँ का टोटल जिला 36 है। यहाँ का राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। यहाँ का विधान परिषद सीट है 78। विधानसभा का टोटल सीट 288 है। यहाँ का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। यहाँ का उप मुख्यमंत्री अजित पवार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दोस्तों, हाल ही में IOC में 2022 डकर युवा ओलंपिक को कब तक के लिए स्थगित किया है? ऑप्शन नंबर ए 2024, ऑप्शन नंबर बी 2026, ऑप्शन नंबर सी 2020, ऑप्शन नंबर डी 2021। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2026 तक, 2026, ऑप्शन नंबर बी 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का था दोस्तों, हाल ही में भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए पोलैंड, ऑप्शन नंबर बी ट्यूनिशिया, ऑप्शन नंबर डी सी सूरीनाम, ऑप्शन नंबर डी वियतनाम। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी सूरीनाम, सूरीनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का था दोस्तों, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर अभियान की शुभारंभ किया है? ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी असम। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना। तेलंगाना राज्य का स्थापना दोस्तों 2 जून 2014 को किया गया है। यहाँ का राज्यसभा सीट 7 है, लोकसभा सीट 17 है। अब विधान CM का केस चंद्रशेखर राव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस IIT ने विश्व की सबसे सस्ती COVID-19 डायग्नोस्टिक किट क्योर श्योर और विकसित किया है?
ऑप्शन नंबर ए आईआईटी कानपुर, ऑप्शन नंबर बी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी आईआईटी मुंबई, ऑप्शन नंबर डी आईआईटी रुड़की। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी, ऑप्शन नंबर बी आईआईटी दिल्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट कहता है, हाल ही में किस देश के फुटबॉलर खिलाड़ी मार्कस रैशफोर्डर ने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी को मनद की उपाधि प्राप्त की है। ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी वियतनाम। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन का था दोस्तों, हाल ही में KVIC ने अपना पहला फुटवेयर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला है। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी कानपुर, ऑप्शन नंबर सी भोपाल, ऑप्शन नंबर डी अमरावती। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दस। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने टैंगेम जनजाति पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया है। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी असम। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर ईटानगर है। यहाँ का टोटल जिला 25 हैं। राजभाषा इंग्लिश है। गठन 20 फरवरी 1987 को किया गया। राज्यपाल बी.डी. मिश्रा है। सी.एम. पेमा खांडू हैं जो BJP से हैं। विधान सभा का सीट 60 है। राज्यसभा 1, लोकसभा 2। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।